बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोरंजन भारती। टी20 लीग में कल हैदराबाद और लखनऊ के बीच मुकाबला खेला गया। जीत के लिए जरूरी था दोनों टीमों के लिए ये मैच, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने आई लखनऊ की शुरुआत काफ़ी धीमी रही और वो केवल 166 रन पर ही जो है आउट हो गई। और हैदराबाद की जो पारी रही वो जिन्होंने भी मैच देखा उनके जहन में बस गया होगा। ये हैदराबाद ने पावर प्ले में ही यानी 6 ओवर में ही 100 रन बना दिए, जिसके चलते हैदराबाद ने 10 ओवर में ही 10 से कम ओवर में ही ये जो है पूरा मैच जीत लिया। तो ये थी कल की जो है टीम की कहानी लखनऊ बनाम हैदराबाद की। अब कल जो मैच हुआ इस पर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उन्हीं से पूछते हैं कि कल जो हमने देखा वो क्या था। चौहान साहब, कल क्या देखा हम लोगों ने, मैच था क्या था वो? बॉलरों के लिए तो T20 जो है कब्रगाह होता जा रहा है। जी 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 जी, जैसे जैसे उस दिन शायद हम लोग आप भी थे, अपन डिस्कस कर रहे थे कि अब जो है बॉलरों का दिख रहा है मैचेस की, बॉलर अब मैच जीतवा के कहीं ना कहीं दे रहे हैं क्योंकि स्कोर भी कम हो रहा है। लेकिन अच्छा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों देखने को मिल रही है। लेकिन कल के मैच में मैं लखनऊ की टीम के बारे में बात करूंगा कि उन लोगों की टीम मुझे लग रहा है कि शुरू के ही ओवर में जब वो आउट हो गए थे ना, मैंने सवेरे भी कहा कि वो उनके 2-3 विकेट गिरे तो मैच वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद वो उन्होंने शायद मैच को छोड़ दिया। बट क्या नाम, बदोनी और अपना पुरन, ये दो लोगों ने उनको वापिस मैच में लेके आए। तो ये तो थोड़ा लेट हो गया, अगर वो 3 ओवर पहले लेके आते तो शायद 200 का स्कोर होता तो शायद उनको लड़ाई करने की इच्छा होती। बट कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे थे। और बॉलिंग में मैं माफी चाहूंगा, मैं लखनऊ ने कहीं भी मैच को फाइट करने की कोशिश नहीं की कि चलो हम 167 भी है तो हम डिफेंड करते हैं। उन लोगों ने बॉलिंग में कहीं कप्तान का साथ नहीं किया किसी भी बॉलर। इनाक्षी, देखिए कल का जो मैच था वो उसके जो स्टार्ट है वो काफी अनबिलीवेबल है। अभी तक भी आप देखे, कल केएल राहुल भी मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन में उन्होंने बोला उनको भी नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ। और जिस हिसाब से बॉल बैट पे आ रही थी ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट मिडिल पे ही बॉलर्स उनको बॉल दे रहे हैं। अब देखिए पिछले अगर हम कुछ साल क्या आईपीएल के स्टैट्स देखिए तो कुछ 15-16 बॉल में 1-6 पड़ता था। बट इस साल पहली बार एवरी 13 बॉल्स में 1-6 पड़ रहा है, जो कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। मतलब 16-15 मैक्सिमम था कि ऐसा हुआ था। और कल भी ऐसे ही हुआ कि 10 ओवर में सबसे ज्यादा रन पहली बार बने कहीं भी किसी भी लीग में, चाहे वो बिग बैश हो चाहे वो PSL हो, कोई भी आप लीग देख ले उसमें पहली बार आईपीएल में ही ऐसा हुआ है। और वो पहले SRH ने पहले भी किया था और कल भी उन्होंने ही वो रिकॉर्ड बरकरार रखा है। तो कल जो हुआ है ना वो अब देखिए एक तरीके से एक रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि अगर वो फर्स्ट बैटिंग करते और इस हिसाब से बैटिंग करते तो 300-350 भी बन सकते थे। और दूसरी बात ये है कि ट्रैविस जिस फॉर्म में अभी नजर आ रहे हैं उसका हेल्प मिल रहा है अभिषेक शर्मा को, क्योंकि अभिषेक शर्मा नए खिलाड़ी है कंपेयर टू ट्रैविस। वो उतना इंटरनेशनल जो ट्रैविस हेड लेके एक्सपीरियंस आते हैं वो दिखता है कि वो माइंडसेट कैसे शिफ्ट हो जाता है, वो उनपे ट्रस्ट रख रहे हैं। अभिषेक शर्मा 400 रन मार चुके हैं 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से इस आईपीएल में, ये क्रिस गेल ने भी पहले नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि कल जो हुआ है वो किसी भी एनालिस्ट, किसी भी जर्नलिस्ट, किसी भी प्लेयर को भी नहीं समझ आया कि क्या हुआ कल। कल एक और चीज हुई है प्रखर। राजेश जी, एज अ कप्तान आप क्या कर सकते हैं जब ऐसी बल्लेबाजी हो रही हो? और मैच के अंत में हम देख रहे हैं कि केएल राहुल को थोड़ी सी डांट वांट पड़ रही थी, ऐसे विजुअल्स भी देखने को मिले हमको कि लखनऊ टीम के मालिक आके थोड़ा कुछ कह रहे हैं उनसे। एज अ कप्तान आप क्या कर सकते हैं? हम चाहेंगे वो शॉर्ट्स हम दिखाएं भी दर्शकों को क्या हुआ था वो, पर आप बताइए एज अ कप्तान क्या कर सकता है एक खिलाड़ी? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो कप्तान क्या कर सकता है जो टीम में सिलेक्शन की उम्मीद किया, जिसने करीब करीब अपने 9 मैच या 8 मैच आप ले लो जिसने पूरी ताकत लगा दी, जिसने वन साइडेड पूरी टीम को लेके चला हो और नंबर 4-5 उसमें लड़ाई कर रहा हो कि भाई मैं क्वालिफाई करूंगा। और उसके बाद आखिरी के ऑलमोस्ट 2 मैचों में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एज ए कैप्टन और मैं उसमें भी अपना डिप्रेशन के साथ साथ मैं टीम का सपोर्ट न मिले, ऐसे में कप्तान कभी कभी डिपेंड करता है कि पर्सन को,
वो कितने जल्दी अपने आप को वापिस ले आता है अपने माइंडसेट को ला करके वहां पर। लेकिन ऐसा मेरे कल राहुल केएल राहुल का मैं बता दूं, सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट कल वो ग्राउंड में नहीं, मतलब वो कल उनके उनके से लग रहा था कि वो कहीं दूसरी तीसरी जगह पर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक था। फिर वो जो भी इंसिडेंट हुए उनके उनके ओनर आए और जो भी बातचीत हुई उसको हम लोग अपने ढंग से नजरे से देख रहे हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि भाई अगर टीम ओनर आए हैं और बातचीत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें क्या है, नेचुरल है, उनका भी हाथ बनता है कि भाई अब क्या हुआ इस मैच में। इनाक्षी मतलब अब जैसे कह रहे हैं कि बातचीत होती होगी हर ओनर और कप्तान के बीच में बातचीत होती होगी, क्या मैच का रिजल्ट ऐसा रहा और क्योंकि वो दर्शकों के सामने हो गया इसलिए ज्यादा लाइमलाइट में आ गया ये? देखिए ऐसी चीजें यूजुअली बोर्ड रूम में होती है या ड्रेसिंग रूम में होती है, बाहर हो रही है और अभी आपके पास ऑडियो भी नहीं है तो आप एक तरीके से इंटरप्रेट ही कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या बात हुई है, हुई होगी, हम 100% कह भी नहीं सकते कि क्या बात हुई है, वो सिर्फ लिप रीडिंग और एक्सप्रेशन से हम पहचान सकते हैं। तो ये तो हर टीम में होता ही है, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए चाहे कोई नॉर्मल सी लीग में भी देखिए, ये तो फिर भी आईपीएल है, हर कोई आंसरेबल तो होता ही है। और एज ए कैप्टन एज टीम मैनेजमेंट आप अपनी पूरी टीम को साथ में लेके चल रहे हैं। अब आप देखिए कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम कल एलिमिनेट हो गई है तो हम अभी सोच भी नहीं पा रहे कि वहां पे अभी अंदर कैसा माहौल होगा, हार्दिक पांडे से क्या बातचीत हो रही होगी, रोहित शर्मा को उन्होंने इंक्लूड किया होगा इसे डिस्कशंस में कि नहीं, तो ये सब अब जैसा हम परसीव करते हैं वैसा ही लगता है। बट ये होना तो ऑब्वियस ही है कि आप अगर एक टीम को लेके आ रहे हैं, आप इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे फ्रेंचाइज क्रिकेट के साइड इफेक्ट्स हैं जो कुछ हमने कल देखा, हालांकि कैमरे के सामने मैदान पे होना नहीं चाहिए था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पंजाब और बेंगलुरु के का जो मैच है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दो नीचे की टीम है लेकिन बहुत लोग जो डाई हार्ड जो आरसीबी फैंस हैं वो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो उस पर जरूर चर्चा करेंगे। लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बिंदास क्रिकेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टी20 लीग में आज पंजाब और बेंगलुरु के बीच में मुकाबला है। सीधे चौहान साहब के पास चलते हैं। सर आज कम से कम इतना पता चल जाएगा कि कौन सी टीम एलिमिनेट होगी, क्योंकि पंजाब बेंगलुरु और गुजरात तीनों 8 पॉइंट पे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, और वो अपने एक होप के लिए आगे की होप के लिए लड़ाई है उनकी रहेगी। लेकिन जैसे अभी उस दिन मुंबई इंडियंस ने किया भाई, मैं मतलब जो मेरे अंदर की बात है, आरसीबी बहुत बड़ी टीम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज कम से कम एटलीस्ट जितने भी मैचेस बचे हैं उसको वो एक चैंपियन के ढंग से खेलें और अपनी जो जितनी भी उन्होंने थोड़ी बहुत जो उनकी साख है उसको बचा के चलेंगे, ये उम्मीद करके चल रहा हूँ आज से कि कम से कम आप उनके जितने भी मैच बचे हैं वो उसको उस ढंग से खेलेंगे और जीतेंगे। कहीं ना कहीं बहुत ऐसे फैन है जिनको तकलीफ तो हुई है बड़ी, इतनी दो मुंबई इंडियंस चली गई, आरसीबी उस जगह पे पायदान पे खड़ी है, तो मतलब मेरा दिल से इच्छा है कि वो टीम आज कुछ अच्छा करे। चलिए आप बहुत बहुत भले इंसान हैं आप प्रखर। इनाक्षी पंजाब ने काफी अच्छा खेलने की कोशिश जरूर की इस सीजन, कई क्लोज मैचेस हारे, पिछले रिकॉर्ड चेज भी की जो आज तक कभी हुई नहीं थी। अगर मैं बोलूं कि अगर सब कुछ फेवर में जाता है आज ऊपर वाली टीमों के लिए, मतलब ऊपर वाली टीम उनके हिसाब से खेलती है कि पंजाब और आरसीबी का कुछ चांस बने, तो दोनों में कौन सी भारी लग रही है आपको, पंजाब या आरसीबी? देखिए पंजाब का प्रॉब्लम ये रहा है कि एक तो उनके कप्तान ही नहीं थे इतने मैचेस में, और जो पॉइंट्स टेबल एक चीज नहीं दिखा रही है हमें वो है कि उन्होंने कम से कम 5 मैच बहुत क्लोज हारे हैं लास्ट ओवर में जाके। बट पंजाब के साथ हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा है कि सैम करन, बेयरस्टो, राइली रूसो वो कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाए जो उनको हमने एक्सपेक्ट करी थी। बट आरसीबी में देखिए विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर थे जो सेम पोजीशन अगर हम कंपैरिजन करें, विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर थे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे जो हमने पंजाब में नहीं देखा। हमने पंजाब में ये देखा कि शशांक और आशुतोष आके पंजाब को वो रन रेट देते थे, लास्ट में वो होप देते थे, बट तब तक बहुत लेट हो जाता था। तो मुझे लगता है कि दोनों टीम्स के अगर आप कंपैरिजन करें कहीं ना कहीं आरसीबी थोड़ा बेटर प्लेस्ड है, उनके पास फाफ भी अब फॉर्म में आ गए, लास्ट दो मैचेस हमने देखा कि लास्ट 4 मैचेस में उन्होंने 250 बनाए, उनका स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 मैचेस में कुछ 8 का रन रेट था और अब 11 का रन रेट हो गया एज अ टीम पावर प्ले में, तो डेफिनेटली उन्होंने गियर शिफ्ट कर दिया है। बट पंजाब
थोड़ी इनकंसिस्टेंटली दिखी है, वो कंसिस्टेंटली जैसे आरसीबी वापस आई है वो चीज़ नहीं दिखी है। सेम चीज़ हर्षल पटेल और सिराज का अगर आप कंपैरिजन करें, हर्षल पटेल ने बहुत विकेट्स लिए, 11 विकेट्स लिए, लेकिन उनकी इकोनॉमी उतनी खराब रही है, बहुत एक्सपेंसिव रहे। सिराज ने विकेट्स तो बहुत 8 विकेट्स लिए, लेकिन उनमें से 7 विकेट्स उन्होंने पहले बॉलिंग करते हुए लिए, चेस करते हुए वो विकेट्स ही नहीं ले पा रहे। कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज है, लेकिन कंसिस्टेंसी वाइज आरसीबी थोड़ा बेटर है अगर लास्ट 3-4 मैच देखे तो। चलिए तो आप दोनों का तो मुझे पता चल गया कि आरसीबी ही है। प्रखर आपकी कौन सी टीम है? नहीं, मैं चाहूंगा पंजाब जीते आज। पंजाब जीते, चलिए लखनऊ के नजदीक है पंजाब शायद इसलिए प्रखर जो है नॉर्थ इंडिया की टीम पिक करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इनाक्षी आपका, चौहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिंदास क्रिकेट में आज इतना ही, मैच का आनंद लीजिए, कल फिर हाजिर होंगे, इस मैच पे भी चर्चा करेंगे और आगे की जो कल मैच होगी उस पे भी चर्चा करेंगे। वक्त है बिंदास क्रिकेट में एक छोटे से ब्रेक का।